सब्सक्राइब करिए आईटी बड़ी यूट्यूब चैनल को सबसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कभी ना कभी आपने एंटीवायरस यूज किया होगा, या आपने कभी कभी एंटीवायरस खरीदा होगा, चाहे वो क्विक हील हो, मैक फ्री हो, चाहे वो एनपीएवी हो, जो भी एंटीवायरस आपने बाय किया होगा, जाना होगा कि एंटीवायरस आपने कंप्यूटर में लोड किया होगा, या आपको कभी कभी कंप्यूटर में लैपटॉप में फ्री लोडेड भी मिलते हैं। दोस्तों, ये एंटीवायरस वर्क कैसे करते हैं और एंटीवायरस कौन बनाता है और ये वायरस सही में खत्म करते हैं कि नहीं करते हैं, कि दोस्तों इसका पूरा स्कैम क्या है और ये दोस्तों वर्क कैसे करता है, तो इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एंटीवायरस के बारे में। तो ये आप वीडियो देखते रहिए। चलिए दोस्तों, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंटीवायरस सभी ने यूज किया होगा और आप अधिकतर जितने कंप्यूटर यूजर्स हैं, मोबाइल यूजर्स हैं, एंटीवायरस जब से आया है, जब से एंड्रॉइड मार्केट में मोबाइल्स में आए हैं, तो हम सभी ने सभी कभी ना कभी एंटीवायरस को इंटरफेस होते रहते हैं। तो दोस्तों, एंटीवायरस को वर्क बनाने वाली कंपनी और उसको काम कराने वाली कंपनी कौन सी होती है? तो दोस्तों, एंटीवायरस बनाने वाली बहुत सी कंपनी है। तो दोस्तों, जैसे एक एंटीवायरस बहुत प्रचलित है और जो इंडियन मार्केट में बहुत धूम मचा रहा है, जो एंटीवायरस को ज्यादा बिक रहा है, तो यह है दोस्तों क्विक हील, एनपीएवी और मैक फ्री। दोनों तीनों में अंतर कुछ नहीं है, ये एक ही काम करती है। क्योंकि दोस्तों, आप इसको फ्री में, जैसे क्रैक वर्जन जगह इसको चलाते तो है नहीं, दोस्तों आप इसको पैसे पे करके इसका लाइसेंस वर्जन यूज करते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरे नज़र में तो तीनों एंटीवायरस बेस्ट है। और दोस्तों, जो है मेरे जैसे कई यूजर्स बोलते हैं कि मेरे उसमें ट्रोजन वायरस है या वॉर्म्स है या फिर वायरस है, तो ये दोस्तों कुछ नहीं होता, ये एक मालवेयर होता है, उसी के अंदर दोस्तों ये ट्रोजन वायरस आता है। तो दोस्तों बता दो, ट्रोजन होता क्या है? दोस्तों, ये वायरस एक मालवेयर ही है जो सबसे अब तक लेटेस्ट वायरस है और ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। दोस्तों फिर आते हैं, बात करते हैं कि इन कौन सा एंटीवायरस लेते समय कौन सी बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का पैक रहते हैं, तो अगर बात की जाए कोई खेल की, तो 450 रुपये का आता है। इसको 12 मंथ का या मतलब 2 ईयर 24 मंथ का अगर उसको सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो दोस्तों सस्ता आता है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन पैक लीजिए, सस्ता आता है और आप कोई भी एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्विक हील हो, चाहे मैक फ्री हो, चाहे एनपीएवी हो, क्योंकि दोस्तों ये एंटीवायरस वर्क ऐसी करती है। दोस्तों पहले कंप्यूटर में एवीजी करके एक एंटीवायरस लोडेड प्री लोडेड आता था, जो एक्सपी विंडो एक्सपी में ज्यादा देखने को मिलता था। दोस्तों वो भी सेम वर्क करता था, लेकिन दोस्तों अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और वायरस की इतनी बढ़ गई है, आप नेटवर्क ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो ये एंटीवायरस भी इस तरीके से डेवलप होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप बताते हैं एंटीवायरस वर्क कैसे करता है। दोस्तों ये क्या करता है, आप उसको कंप्यूटर इंस्टॉल करते हो, उसके की नंबर लाइसेंस नंबर में आप डालते हो, उसे इंस्टॉल करते हो परचेस करके। दोस्तों फिर जब आप कंप्यूटर में इसको स्कैन करने के लिए लगाते हैं, तो दोस्तों वो क्या करता है, आपकी नंबर ऑफ फाइल्स को स्कैन करता है। और जब वो फाइल्स को एक के बाद स्कैन करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों कि उनके जो हर कंपनी जितनी भी है, वो उनके पास वायरस की लिस्ट, उनका प्री डेटा, जो वायरस कितने प्रकार के आए, कौन से डिटेक्टेड, कौन से मालवेयर फाइल है, कौन सी फाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो दोस्तों उसके पास उनके डेटा रहता है। तो वो दोस्तों अपने डेटा से वो आपके सिस्टम के डेटा को मैच करता है। अगर वो मिल गया उनको, तो उसको वायरस मालवेयर डिटेक्ट करके दोस्तों वो शो करता है और उसको वो रिमूव करता है। बस सब कंपनी का यही काम है दोस्तों। इसलिए मेरी आप सलाह ये रहेगी कि आप जब भी एंटीवायरस आप लोड यूज तो करते, लेकिन दोस्तों उसको टाइम टाइम पे अपडेट जाए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है, जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी कंपनी, उनके रिसर्चर्स हैं, वो इसी के बारे में दिन रात सर्च करते हैं और आपको एक नोटिफिकेशन देते हैं, जिससे उनके साइट में सर्वर चाहते हैं, तो दोस्तों वो आपको नए एंटीवायरस के बारे में वो आपको बताते हैं और वो आपके उसमें आ जाता है। तो वो ये दोस्तों इसका मेन वर्क यही है कि इसको सिंपल लाइन में कहूँगा, तो वो अपने डेटा से आपके डेटा को मैच करते हैं। अगर वो कुछ अनसस्पेक्टेड चीज़ मिलती है, तो उसको रिव्यू कर देते हैं। और दोस्तों पहली बात तो बता दूँ, मालवेयर और वायरस में बहुत डिफरेंस है। वायरस ट्रोजन और वर्म्स मिलके ही मालवेयर बनता है और ये कंप्यूटर आपको रिमूव कर, कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यही है दोस्तों वायरस का फंडा। और एंटीवायरस का वर्क यही है कि आपके कंप्यूटर को, पीसी को प्रोटेक्ट करना है। 100% पीसी प्रोटेक्शन कोई नहीं देता है दोस्तों, लेकिन एक हद तक ये आपके पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से काम करवा सकते हैं। और आपका एंटीवायरस आपके लंबे समय तक आपको साथ देगा, तो आप कम से कम 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन पैक लेंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ बेनिफिट, कैश बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और ये जो दुकानदार से आप लेते हैं, तो दोस्तों मूल भाव जरूर करिए, क्योंकि एंटीवायरस बहुत सस्ता आता है, चाहे आपको ऑनलाइन में यूज कर सकते हैं। आप दोस्तों ऑनलाइन में उनका प्राइस कंपटीशन दे सकते हैं, बहुत फर्क आएगा दोस्तों। फिर एक दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ मैं, कि एंटीवायरस और वायरस को बनाने वाली कंपनी एक ही दोस्तों,
वायरस बनेगा नहीं तो एंटीवायरस बिकेगा नहीं, तो ये मूल फंडा है, तो वो अपने हिसाब से ही वायरस डेवलप करते हैं, वायरस को रिमूव एंटीवायरस भी वही बनाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मुझे इतना ही, अगर आपको कोई कमेंट में आप अपने सवाल जवाब सुझाव दे सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए दोस्तों, और नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल आपको बहुत पसंद आया, आप मेरे पूरे चैनल को विजिट कर लीजिए, इसमें आप मेरी पूरी एक एक वीडियो को देख लीजिए, आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस बारे में नॉलेज चाहिए दोस्तों, वीडियो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं अगले हफ्ते वीडियो आपके लिए जरूर ला के दूंगा। दोस्तों चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों कमेंट करके सुझाव देते रहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम चैनल के साथ, आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्वालिटी कैसी है चैनल की, उस वॉइस क्वालिटी कैसी है, जो भी आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो दोस्तों सुझाव आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।